हस्बैंड पे विश्वास नहीं करते और ना आप अपने आप पे करते। जिस दिन आपने ये बात ठान ली, आप क्या कहते हो, आप प्लैटिनम, 400 प्लैटिनम, एमराल्ड, डायमंड, आप करोड़ भी जा सकते हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। अच्छी क्लबिंग बढ़ती है, अच्छी। तो मेरा नाम कमल और मैं जम्मू से हूँ और हम चंडीगढ़ में रहते हैं। और जब मैंने इस बिजनेस को, सबसे पहले तो थैंक्स टू गॉड, उस रब का लाख लाख शुक्रिया। उसने पता नहीं, आई डोंट नो, उसने चुना या हम उसके काबिल थे, सीक्रेट अभी तक पता नहीं है, है ना। तो भाई डिफॉल्ट ही लोग इस बिजनेस में आते हैं, बाई डिज़ाइन नहीं आते, पर उसके बाद बाई डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद सब अपलाइंस का, राइट फ्रॉम डॉक्टर ज्ञान सिंह अप टू डॉक्टर ब्रैच और डेक्सर जैगर, सब लोग का हम थैंक्स करते हैं। और स्पेशल थैंक्स करते हैं, जहाँ डायमंड कपल बैठा है, अमन दीदी और बलजीत जी, एक अच्छी क्लबिंग हो सकती है, एक बहुत अच्छी क्लबिंग, बहुत अच्छी क्लबिंग। बहुत सारे लोगों ने होप दी। तो मैंने BSc एग्रीकल्चर की पालमपुर से, हिमाचल से, और जॉब लग गई आते ही। और मिसेज मेरे शिवा फिजिकल एजुकेशन टीचर, और मेरी इमिग्रेशन था कनाडा का, और शिवा प्रेग्नेंट और एक साल के लिए वीज़ा रोका। तो इन द मीन टाइम जब बिजनेस आया, तो मैंने जब बिजनेस देखा, और बिजनेस में उस टाइम बताया जाता था कि आप 40,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। और मैंने एक दोस्त से कंसल्ट किया जो कनाडा में दो रहते थे, तो उनको भी इतने पैसे बचते थे। तो मेरे माइंड में आया कि अगर उधर जाके 5 साल एक एज ए लेबर वहाँ पे काम करना और इतने पैसे बचते हैं, अगर यहाँ ही आते हैं तो वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है। उसने ड्रॉप किया आइडिया, इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सारी सिचुएशंस आई, किस्मत वाले लोगों को आती हैं, उसमें से हम भी एक थे, ठीक है। और दो बेटियाँ, ड्रीम था बेटियों को, हमने डलहौजी पब्लिक स्कूल पढ़ाना है। तो उस टाइम तो काफ़ी महंगा होता था, आजकल जो लोगों के पास पैसे हैं, ड्रीम पूरा होगा। दोनों बेटियाँ राइट फ्रॉम KG टू मैट्रिक वहाँ पे पढ़ी, अभी भी अच्छी स्टडी कर रही हैं। तो आज जो हमें टॉपिक और स्पेक्टर बलजीत जी ने दिया, दैट इज द ड्रीम्स एंड विजन। ड्रीम्स एंड विजन बड़ा अच्छा टॉपिक है और बड़ी गहराई है इसमें, है ना। और एक्साइटमेंट तो जितनी आपने की, इट इज वेरी गुड, पर अब इसको थोड़ा सा दिल से सुनना। तो कुछ लोग तो 20 साल इस बिजनेस में एक्साइटेड रहते हैं, होता कुछ नहीं, वो पता नहीं चलता कब आए और क्या हुआ। कुछ चीजें लॉजिकल भी हैं, फेथ भी है, पर कुछ चीजें लॉजिकल भी हैं, है ना। एक और एक दो ही होगा, ठीक है। ड्रीम्स वो होते हैं जो आदमी को सोने ना दे, और कुछ सच्चाई जो है, जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, अगर ये पहले पता चल जाए तो आदमी को कभी दुख नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा। लोग दुखी क्यों हैं, खासकर इस बिजनेस में भी दुखी होते हैं, कि उनको प्रिंसिपल्स पता नहीं है। प्रिंसिपल्स को हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत, और प्रिंसिपल्स जब से दुनिया बनी है तब से बने हैं। अगर हमें ये चीज छोड़ू तो नीचे जाती है, आज भी नीचे जाती है, 1000 साल पहले भी नीचे ही जाती थी, और जहां भी नीचे ही जाती है, और अमेरिका में भी नीचे ही जाती है। वाटर H2O, ठीक है, एक प्रिंसिपल, इट इज अ प्रिंसिपल, इट इज गॉड गिवन प्रिंसिपल, जो कभी चेंज नहीं होंगे। सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल हैं कि उनको सक्सेस के प्रिंसिपल्स पता है। थोड़ा माइंड भी लगाना है, सिर्फ छोर ही डालते रहना, प्रिंसिपल्स। अगर वो प्रिंसिपल पता हमें चल जाए तो हम भी उसी पे हो सकते हैं। हम ये गांव के रहने वाले हैं और अपने पास 2-व्हीलर था, पर उस गॉड के ब्लेसिंग से आज एक अच्छी सी गाड़ी भी चलाते हैं, इनोवा चलाते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ियां चलाई, क्योंकि हमें वो प्रिंसिपल पता चले इस बिजनेस के थ्रू सिस्टम, ग्रिड सिस्टम, थ्रू एमवे, थ्रू अपनी अपलाइंस। सिर्फ 3% लोग ड्रीमर्स है, इट इज अ प्रिंसिपल, इट इज सो सिंपल। और ये यूनिवर्सिटी है जिसका नाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, इसमें पूरे वर्ल्ड की स्टैटिस्टिक होती है। प्लीज ध्यान उधर मत लेना, हाँ जी,
ध्यान इधर, ठीक, 3%, इट इज अ प्रिंसिपल। और मैंने 10 लोगों को ज्वाइन कराया, मेरे को पता है उसमें से 3 काम करते हैं, दुखी होने वाली बात नहीं है, पर 10 करवाने, इट इज अ प्रिंसिपल। नहीं ऐसा ऐसा है ना, अभी 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 थोड़ा सुनेंगे उसके बाद, इट इज अ प्रिंसिपल है ना। 87, 10 and 3, इट इज अ प्रिंसिपल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, उसने दी है कि इस पूरी दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं, होंगे और थे, 87, 10, 3। दुनिया में 87% लोग हैं जो अपनी अनप्लान जिंदगी व्यतीत करते हैं, ठीक है, उनको कोई क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं, कुछ ईगो रखने वाली बात नहीं, बल शेर शेर है, उसमें शेर की क्या बहादुरी है। हमें इस बिजनेस का समझ आया, आया क्यों आया, नो ईगो, थैंक्स टू गॉड, ग्रेटिट्यूड, सिंपल, ठीक है। तो दुनिया में 87% लोग एक एवरेज लाइफ में होते हैं, दुनिया में 10% लोग ड्रीम्स लेते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो तो लेते नहीं है, जो कहते हैं 2 रोटियां खानी है, मर ही जाना है, गाड़ी खत्म, ये दुनिया खत्म होने वाली है, बस वगैरह 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 वगैरह, बस ये स्कोर पढ़ रहे हैं कहां पे कोविड कितना हुआ है। दुनिया में 10% लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, और दुनिया में 3% लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, जाने के बाद भी दुनिया इनको याद रखती है, इट इज अ प्रिंसिपल। तो 3% लोगों के ड्रीम्स पूरे होते हैं, तो उनको प्रिंसिपल्स पता है ड्रीम कैसे पूरे होते हैं, ठीक है। वो आपके बच्चों का ड्रीम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आज इतना टाइम नहीं, लिमिटेड टाइम है, ठीक है। ये हो गए ड्रीम्स, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, किसी दिन जरूर अगर टाइम मिला तो इसको क्लियर करेंगे। दूसरा है विजन, विजन, विजनरी होना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर कितने परसेंट लोग विजनरी हैं? 3%, इट इज सो सिंपल। 3% लोग, अगर आपके पास डायरी है तो एक लाइन मारिएगा, लगाई तभी जरूरी है लाना। हाँ जी, ठीक है, आप जहां पे, आप अपनी बॉडी है जहां पे लिखिएगा, स्पोर्ट्स करो, यू आर 42, 24, 57, जो भी है, हो गई? हाँ जी, आप जो कर रहे हैं अगर अगले 5 साल यही करते रहे, या अगले 6 साल यही करते रहे, आप कहां पे होंगे ये सोचना बहुत जरूरी है, सिर्फ छोर नहीं डालना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जहां पे एक रिस्पेक्टेड, एक इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर ज्यादा ज्यादा कहां तक रिटायर हो सकता है? डीएसपी, आईजी दिल्ली बनेगा, डीएसपी, हाँ जी, डीएसपी, एक स्कूल टीचर ज्यादा ज्यादा कहां रिटायर होगा? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एक जूनियर इंजीनियर लगा कहां पर रिटायर होगा? एक्सियन, हाँ जी, एक्सियन, एक जो रिस्पेक्टेड एक्सियन है, रिस्पेक्टेड डीएसपी है, और रिस्पेक्टेड जो आदमी जहां ये पहुंचना चाहते हैं उनका लाइफस्टाइल पहले ही देख ले कि उनके पास क्या है, कोई लाइन तो एक है। अगर जो उनके पास चीजें हैं वो उससे मैं भी खुश हूं, तो जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, अगर उससे खुश नहीं हूं तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, इसको बोलते हैं विजन। जिन लोगों ने बड़ी बड़ी हमारे गांधीनगर त्रिपुरा नगर में प्लॉट्स लिए थे आज से 40 साल पहले, उन्होंने जिन्हें सोचा ये पत्थर है, उन्होंने सोचा 40 साल बाद क्या होगा, इसको बोलते हैं विजन। विजनरी होना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस लाइफस्टाइल से हम खुश नहीं है, और जो मैं कर रहा हूं अगर अगले 5 साल वही करता रहा तो मैं जहां भी पहुंचूंगा मेरे को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। सोच रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े उनकी शादी करनी है, सब कुछ करना, तो ड्रीम्स एंड विजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। घर बैठ के रात को सोने से पहले इसके बारे में हमें सोचना है कि यार जो मैं कर रहा हूं अगर यही करता रहा तो 5 से 7 साल बाद होगा क्या, मतलब मैं बिजी कहां पे हूं,
फॉर व्हाट? मेरे को कुछ ज्यादा शो द प्लान, कुछ ज्यादा प्लान के साथ कम्युनिकेशन, कुछ समथिंग डिफरेंट करने की जरूरत है और बल्ले बल्ले हो जाएगा. थैंक यू. गॉड ब्लेस अस.